दर्शकों नमस्कार। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जब से पूरे देश में संचार बंदी लागू हुई है उसका अमल भी शहरों में किया जा रहा है, लेकिन रोजमर्रा की जो चीज़ें जो है जैसे खान पान की जो वस्तुएँ होती है आजकल उनका क्या भाव होता है, ये तमाम बातें और इसका पूरा जायजा हमारे तमाम संवाददाताओं ने शहर के अलग अलग बाजारों से लिया है। पेश है और डालते एक नज़र आज के भाव पर। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूँगा हमारे जिन्होंने ये जायजा लिया, ऐसे हमारे संवाददाता इस समय में क्षितिजा देशमुख है इतवारी के उस मार्केट में, किराना मार्केट में, आइए उनसे जानना चाहेंगे। क्षितिजा जी, ये बताएं कि क्या परिस्थितियाँ हैं किराने की और क्या चल रहा है वहाँ पर? कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जो है शहर में पूरे देश में अब लॉकडाउन कर दिया गया है। उसके बाद जो है किराना हो, अनाज हो, इसके दाम जो है बड़े बढ़ गए हैं। हम अभी शहर के इतवारा मार्केट में हैं, अनाज मार्केट में। आइए हम जानते हैं दुकानदारों से कि क्या किस चीज़ के भाव, किस चीज़ के जो है रेट बढ़े हैं। चलिए देखते हैं, पूछते हैं उन्हीं से कि कौन से रेट जो है बढ़े हैं। अभी हम इतवारा मार्केट के दुकान में हैं। क्या बताओगे कि जब से संचारबंदी जो है देश में लागू हुई है उसके बाद से जो है जो अनाज के दाम बढ़ना शुरू हुए हैं, थोक हो या चिल्लर में हो, तो अभी क्या रेट चल रहे हैं? तेल हो, दालें हो, तो किस तरह से भाव बढ़ चुके हैं? तेल का डब्बा पहले 1300 था, 1700 रुपए का हो गया। तेल का डब्बा 1300 का 1700 रुपए हो गया। और दालों के रेट से अनवश्यक बढ़ते जा रहे हैं। अब जहाँ से माल आता है वहाँ से माल बरबर आ नहीं रहा है, तो इसके लिए वो सब शॉर्टेज का ही रेट हो रहा है पूरा। अभी दालें कितनी रुपए से बढ़ी, मतलब पहले क्या दालों की कीमत क्या थी और अभी किस दाम में आप बेच रहे हो? पहले तो 70-75 रुपए अच्छी थी, आज 90-95 बिक रही है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली। सेंगदाना 110 रुपए बिक रहा है, पहले 80 रुपए चलता था। हर चीज में जितने भी जो ज्यादा खपत है सबके रेट इंक्रीजेस है। और अभी जिस तरह से जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली है, तो क्या किस तरह से मार्केट में लोग आ रहे, क्या मतलब अनाज के लिए आ रहे या नहीं आ रहे? नहीं, एक्चुअली कैसा है, रस्ते में आते हैं तो, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि आसपास से ही लो तो ज्यादा अच्छा है, मार्केट में भीड़ मत करो, तो इसलिए मार्केट में भीड़ होने ना देंगे। तो हम लोग भी लिमिटेड कस्टमर ही ले रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग भी कस्टमर बोलते हैं कि आसपास से ही लो जब तक मार्केट पूरा खुले नहीं, तो ज्यादा भीड़ है तो पुलिस वाले भी हमको चलाते कि भी ज्यादा भीड़ मत रखा करो, बस इसके हिसाब से चल रहा है पूरा केस। तो जिस तरह से अभी हमने देखा दाल हो, मूंगफली हो, साबुदाना हो, सभी चीज़ों के जो रेट है, तेल हो, खाने का तेल हो, सभी के रेट जो है 10 से बहुत जो है बढ़ चुके हैं। और भी दुकानें हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से मार्केट का हाल है, किस तरह से अनाज के भाव बढ़ चुके हैं, क्या ग्राहकों द्वारा उन्हें रिस्पांस मिल रहा है, जीवनावश्यक वस्तु की खरीदी के लिए जो है लोग आ रहे हैं या नहीं। बाजू में एक दुकान है कि अनाज की दुकान है। ये जो पूरा मार्केट है ये पूरा अनाज का मार्केट है। अनाज के मार्केट में यहाँ जो है आम दिनों में खासी भीड़ रहती है, लेकिन अब संचार बंदी के बाद जो है हम देख पा रहे हैं कि यहाँ नॉर्मल भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि संचार बंदी है, पुलिस द्वारा भी लोगों को रोका जाता है। तो और भी दुकानें हैं, हम वहाँ से उन हाल जाने जानते हैं कि अनाज की कीमतें किस तरह से जो है बढ़ चुकी है। तो आइए देखते हैं किस चीज़ से के दाम जो है बढ़े हैं, क्या बताओगे? मतलब काफ़ी चीज़ों के जो दाम है, खाने के तेल हो, फली दाना हो, तुअर दाल, दालें भी है, गेहूँ चावल के, सब के दाम जो है बढ़ चुके हैं, चिल्लर में हो या थोक में। तो किस तरह से भाव बढ़े बताओ। इसमें एक चीज़ ऐसी है कि जो दाम जो बोल रहे हैं बढ़ने का कारण, एक तो दो चीज़ों का वजह है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन का बीच में जब ब्रेक होना था वो सबसे बड़ी वजह थी, जिससे हमने किराना मर्चेंट एसोसिएशन के माध्यम से कलेक्टर से बात करके जहाँ जहाँ गाड़ियाँ रुकी थी हमने वहाँ से गाड़ियाँ निकाले। जो जो सिटी के अंदर में रवा, मैदा, आटों की मिलें बंद थी, हमारे नागपुर कलेक्टर ने वहाँ से बात करके वहाँ से हमको चालू भी करवाया है और ट्रांसपोर्टेशन भी चालू हो गया है। एक तो वजह थी, अब एक दो दिन में जो बचे हुए जो रेट बढ़े थे वो भी कम हो जाएंगे। सेकंड थिंकिंग है कि ऐसा है कि जो रेट बढ़े हैं, हर न्यूज़ वाले, हर चैनल वाले का कहना है कि चिल्लर दुकानदार रेट बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली चिल्लर दुकानदार रेट नहीं बढ़ा रहे, जहाँ तक है मुझे लगता है कि जो नागपुर में जो मेन इम्पोर्टर है, जैसे तेल का इम्पोर्टर ही जो मेन फर्स्ट व्यक्ति जो है वही हाई रेट पर दे रहा है, तो होलसेलर हाई रेट पर लेकर फिर सेमी होलसेलर को हाई रेट पे दे रहा है, फिर चिल्लर वाले वही रेट पे बेच रहे हैं।
छिल्ले वाले मुश्किल से 20-25 रुपया डब्बा भी नहीं कमाते होंगे। नाम दाल जो है, दालें है, भाव बढ़ चुके हैं। पहले दालों की भाव क्या थी और अब क्या हुए जब से संचार बंदी देश में चालू हुई है? ये जो पल्सेस के बारे में जो आपने बोला, बहुत अच्छा प्रश्न किया। पल्सेस का कारण यह है कि पहले और अभी केस में 8-10 रुपया किलो तोर दाल, चना दाल 6-7 रुपया किलो, मूंग मोगर 7-8 रुपया किलो बढ़िया। उसका मेन कारण ऐसा है कि नागपुर में जितनी भी दाल मिल है उनको कलेक्टर ने, पालक मंत्री ने मीटिंग लेकर उनको चालू करने का आदेश दिया, तब से रुक गए हैं। लेकिन जो दाल मिल है उनके पास भी जो रॉ मटेरियल उनके पास भी अवेलेबल नहीं है। कारण क्या है, कृषि मंडी बंद है, तो जितना रॉ मटेरियल था उन्होंने पूरी कैपेसिटी से दाल बनाकर नागपुर मंडी में दे दिया। अब रॉ मटेरियल नहीं होने के बाद में दाल मिल भी क्या बनाएंगे दाल? इस कारण दाल मिल में भी न दाल होने की वजह से बढ़ रहे। क्या होता है, 100 कट्टे अपने पास दाल है और लेने वाले 1000 लोग हैं, तो 100 कट्टे रहने से और 1000 लोग लेने वाले, तो उसमें तो नेचुरली फर्क तो आएगा ही। जो तेलों के दाम है वो भी बढ़ चुके हैं, सोयाबीन तेल हो, फल्दी तेल हो, जहाँ अभी 1300 का जो एक डब्बा बिकता था वो अब बढ़कर 1700-1800 में बेच रहे हैं, मनमानी दामों पे भी बेच रहे हैं चिल्लर में। तो क्या बताओगे, अभी क्या रेट चालू है मार्केट में? एक्चुअली मैं एग्जांपल सोयाबीन तेल का लीटर का ही लेता हूँ, 1350 रुपया कुछ उसका रेट था जब शुरुआत में भी। उसके बाद में बढ़ने का कारण एक तो ट्रांसपोर्टेशन है और दूसरा जो इम्पोर्टर है, नागपुर का मेन इम्पोर्टर, मेन वहीं से ही कालाबाजारी हो रही है और बदनाम हो रहे हमारे ये सब चिल्लर वाले। तो ये कालाबाजारी अभी कितने दिन तक ऐसी चलेगी, या सर्वसामान्य लोगों को कितने दिन तक यही समस्या से जाना पड़ेगा? उसके अंदर में कल भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मीटिंग किया, कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर आशा पठान साहब मैडम से भी बात करवाई हमारी, उन्होंने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, सभी गाड़ियां भी आना चालू हो गई है। एक दो दिन के अंदर में माल इतना भरपूर स्टॉक हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। नागपुर शहर में कोई खाद्य पदार्थ की कमी नहीं है, नहीं कोई नागपुरवासी इस पर ऐसा मन में रखे कि कभी भविष्य में कम होगा। भरपूर माल है हमारी मंडी में, दिक्कत नहीं है कोई भी चीज़ की, तेल हो, शक्कर हो, एसेंशियल वस्तुओं की भरपूर मात्रा है अपने यहाँ। तो जिस तरह से अभी हमने जाना कि किस तरह से दामों के जो है, दाम जो चीज़ों के बढ़ चुके हैं, क्यों बढ़े ये भी हमने जाना है, और भी जो यहाँ दुकानदार है उनसे जानते हैं कि किस भाव, मतलब किस जो चीज़ जो है वो किस दामों में बेच रहे हैं और इसके वजह क्या है, और कब तक ये चीज़ें जो है महंगे दाम पर लोगों को खरीदना पड़ेगा। इतवारा मार्केट से मैं क्षितिजा। दर्शकों, इस समय में हमारे संवाददाता अभिषेक पांसी है जो कि तेल का पूरा जायजा लिए हुए आइए उनसे जानना चाहेंगे। अभिषेक, ये बताइए कि आप जिस जगह पे खड़े हो, क्या लगता है आपको उस मार्केट में तेल की क्या पोजीशन है और व्यापारियों का क्या कहना है? नागपुर शहर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन किया गया है, लेकिन जो अनावश्यक वस्तु है उसके दुकानें शुरू है, उसकी आवाजाही शुरू है, लोग खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कोई भी चीज़ हो, तेल, शक्कर या कोई भी ज़रूरतमंद की चीज़ हो, उसकी कालाबाजारी सामने आ रही है। हमारी टीम को SMS द्वारा, मेल द्वारा या फ़ोन द्वारा इसकी जानकारी जनता दे रही है कि हमारे यहाँ बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, पैसे ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। आज अब अभी ऐसे तेल व्यवसाय के पास आए हैं कि उनसे जान लेते हैं होलसेल का काम करते हैं, कितने रेट बढ़े हैं और क्या मार्जिन से रिटेलर वो जो छोटे व्यापारी होते हैं वो बेच रहे हैं। सर, क्या कहोगे तेल के अभी फिलहाल के रेट पे? तेल का अभी 1650 रुपए का भाव है 15 kg वाला, और इसका भाव कोई बढ़ने के चांस नहीं है। तेल एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है और गरीब लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, एसोसिएशन के द्वारा व्यवस्था की गई है, 12-4 बजे तक मार्केट खुला रखा गया है और इसमें कोई ब्लैक मार्केट नहीं हो रहा है, पक्का बिल मिल रहा है और ओरिजिनल कंपनी का प्लांट का माल, अंबुजा ब्रांड, पतंजलि ब्रांड मिलता है। सर, मुझे एक बात बताइए कि जब से ये जो लॉकडाउन चालू हुआ है तब से तेल के इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है कि वही रेट में बेचे जा रहे हैं? बढ़ोतरी शॉर्टेज के कारण आवक नहीं है माल लाने की, गाड़ियाँ आने नहीं देते, किसी के पास 100 डब्बे, किसी के पास 50 डब्बे, इस प्रकार से 5-25 रुपया टाइट हुआ है। बाकी 1650 रुपये का भाव पक्का है, पक्का बिल मिलता है, GST का बिल मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बहुत कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है, व्यवस्थित चल रहा है। ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग होलसेल से नहीं हो रही, क्योंकि जो छोटे मतलब होलसेल में भी लेंगे तो वही भाव है,
नहीं नहीं, मेरा कहना क्या था कि जब गिराक रिटेल में जाते हैं, छोटे से दुकान में जाते हैं, जब वो रेट पूछते हैं, लूज तेल जो रहता है वो कम भाव बिकता है। लूज तेल का व्यापार अभी बंद है। लूज तेल और ये पैकिंग के तेल में बहुत फर्क पड़ता है, 100 रुपया 150 रुपये टीन का फर्क पड़ जाता है। ये पैकिंग है, एक मार्ग है और प्लांट का माल है। तो संजय जी, आपने सुना अभी अपन एक तेल व्यवसायी से बात की है, उनका कहना है कि होलसेल में ज्यादा रेट बढ़े नहीं है, बढ़े भी होंगे 5-10 रुपए का फर्क हो सकता है, लेकिन जो अपने अपने टीम के पास जो जानकारी मिली है या जो SMS आया है, वो गोरख धंधा बहुत बड़ा है, बड़े मार्जिन से रिटेलर पैसे कमा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कुछ ना कुछ इसके ऊपर जनता के लिए कुछ करना चाहिए। संजय जी, बिल्कुल, आप थे हमारे संवाददाता अभिषेक पांसी, जिन्होंने बखूबी और बेबक के साथ बात करते हुए तेल के बारे में पूरा ब्यौरा दिया, जायजा लिया है। अब हम रुक करेंगे हमारे दूसरे संवाददाता की ओर। इस समय में अंडों को लेके एक गलतफहमी लोगों में है, अंडे का फंडा, यानी लोग अंडा खाते हैं लेकिन अंडों के भाव जिस कदर बढ़ रहे हैं, क्या काला बाजारी हो रही है? आइए इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता इमरान शेख, इन्होंने, इमरान आप बताइए कि किस तरह से अंडों का वहाँ पे कारोबार है, क्या वहाँ पे व्यापारी जो है उनका अंडों को लेके उन्होंने क्या अंडों की कीमतें बनाई है, और क्या आपको लगता है कि बाजार टूट चुका है या समर चुका है, लोग आ रहे, क्या है पूरी जानकारी? जी हाँ, हम अब यहाँ खड़े हैं कॉटन मार्केट परिसर में, हम यहाँ खड़े हैं। आज जैसे सभी मार्केट का हमने सर्वे किया, तो आज हम कॉटन मार्केट आए हैं, कॉटन मार्केट के अंडा व्यवसाय के यहाँ है, ये अंडा मार्केट है, यहाँ पे होलसेल में अंडा विक्रेता अंडा बेचते हैं। क्या कहोगे सर, ये कोरोना की वजह से जो पूरा शहर लॉकडाउन हुआ है, उसमें कोई अंडे के रेट वगैरह की बढ़ोतरी हुई क्या उसमें? नहीं, होलसेल में तो कोई रेट की बढ़ोतरी नहीं है, हम तो सेम रेट बेच रहे हैं, 250-100 हम लोग ऑन में नहीं बेच रहे अंडा, जो रेट आ रहा है उसी पे, उससे 5-10 रुपये कम बेच रहे। इस टाइम तो सेवा का है, सेवा करो, तो इसलिए हम कुछ रेट नहीं बढ़ा के बेच रहे। क्या तो रेट में आप बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं अभी 250 रुपये 100, मतलब 100 रुपये, यानी एक अंडा 250 रुपये, एक अंडा 250 रुपये का बेच रहे हम। जी, हमने एक मार्केट में सर्वे किया था, कुछ कस्टमर के हमें फोन आ रहे थे कि शॉप में जो चिल्लर विक्रेता है वो अंडा 5-7 रुपए में बेच रहे हैं, तो इस विषय में कहना चाहूंगा कि नॉर्मल व्यापारी ने कितने, जो चिल्लर विक्रेता है उन्होंने कितने में बेचना चाहिए? उन्होंने 3 रुपए से बेचना, 3 रुपए 3.5 रुपए बहुत होगा, उससे ज्यादा मार्जिन नहीं लेना चाहिए। हम लोग का ऐसा 5-5 पैसे 10 पैसे मार्जिन रहता है अंडे पे, 10 पैसे मिनिमम, और ये लोग क्या है 2-3 रुपए मार्जिन ले रही है, गलत है। जी हाँ, ये थे होलसेल में 2.5 रुपए ही बिक रहा है। ये थे एक अंडा विक्रेता, इन्होंने कहा कि जो अंडे के रेट है ये कम से कम 2.5-3.5 रुपए तक चिल्लर विक्रेता ने बेचना चाहिए था, होलसेल में उनको 2.5 रुपए आता है। और सभी किराना दुकान वालों से हम ये करना चाहेंगे, ऐसे मुश्किल घड़ी में देश की सेवा करें और कम रेट में अपने अंडे या जो भी जीवन आवश्यक वस्तु है वो बेचा करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ इमरान शेख, BCN न्यूज़, नागपुर। तो आप थे हमारे संवाददाता इमरान शेख, जिन्होंने बखूबी रेबका के साथ बात करते हुए अंडों के बारे में पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से 90 अंडों का क्रेट कितने में है, और लोग जो है बिला वजह इस भाव को लेकर लोगों में एक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई थी उसे व्यापारियों ने क्लियर कर लिया। अब हम रुक करेंगे सब्जी मार्केट की और हम आपको पल पल की जानकारी इनबीसीएन के उन तमाम दर्शकों तक दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज दिन सब्जी के मार्केट में काफ़ी वृद्धि हुई है, जहां मार्केट में सब्जी 20 रुपये की, 10 रुपये 20 रुपये किलो मिलती थी, अब वही 40-50 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। और इतना ही नहीं, तो कुछ जो ठेलों पे जो चलने वाले जो लोग हैं, जो परिसर से और गलियों से जो चलते हाथ ठेले लेके जो सब्जी बेचते हैं, उनके दाम भी इनसे कहीं ज़्यादा है। आइए जानते हैं इसके बारे में एक रिपोर्ट। दर्शकों, इस समय में महात्मा फुले मार्केट की सब्जी मार्केट में है, जहाँ पे रोजाना कई लोग यहां से सब्जी खरीदते रहते हैं, मगर आए दिन सब्जी को लेकर जिस तरह से जो कीमत जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे काफी लोग जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। अब हम सीधा रुक करना चाहेंगे उस सब्जी वाले से, उनसे जानना चाहेंगे कि सब्जी के ताजा भाव क्या है। सर, ये बताइए कि क्या है सब्जी के ताजा भाव, कैसे दिया ये इसके बारे में बताइए। पत्ता गोभी बिक रही है 40 रुपये किलो, फूल गोभी बिक रही है 40-50 रुपये किलो, शिमला मिर्ची 80-60 रुपये किलो, भिंडी 80-60 रुपये किलो बिक रही है, टमाटर 5 रुपये बिकने वाले अभी 30-40 रुपये किलो बिक रहे हैं, लौकी है 15 रुपये बिकने वाली है 40 रुपये किलो बिक रही है, आलू जो चिल्लर में 20 रुपये किलो बिकता था अभी 40 रुपये किलो हो गया है आलू प्याज।
और ये मेथी की भाजी जो 10 रुपए की जूड़ी बिकने वाली है आज 60 रुपए किलो 80 रुपए किलो मेथी की भाजी बिक रही है। क्या वजह है? जो माल की आवक हो गई कम, आवक नहीं हो रही है माल की। जो माल पहले 10 गाड़ी आती थी अभी छोटी सी गाड़ी में माल आ रहा है, आवक कम होने से इसके दाम बढ़ गए। क्या कारण जिससे गाड़ियां कम आ रही है? ये अपना कोरोना वायरस की वजह से कम हो गए गाड़ी आना, अभी माल आना कम हो गए। दिन भर में कितने ग्राहक आते हैं आपके पास? बहुत कम हो गए, पहले से बहुत कम हो गए। जो पहले अच्छे आते थे अभी वो भी नहीं आ रहे हैं, एकदम से गिरेकी कम हो गई। क्या नाम है आपका? गुड्डू ठाकुर। तो आप थे सब्जी विक्रेता गुड्डू ठाकुर, जिन्होंने पता है कि किस तरह से जो माल की जो आवक होना चाहिए थे वो कम होते हुए नजर आ रही, जिसके चलते ये जो इनकी जो कीमतें इसमें काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। सब्जी वाले के ऊपर भी भूखे मरने की नौबत आने आ पड़ी है। ऐसे में देखना ये होगा कि जल्द से जल्द ये जो सब्जी की जो दाम है ये कम होना चाहिए, क्योंकि शहर के नागरिकों को सब्जी नहीं मिल रही है और जो भी मिल रही है बहुत बड़े पैमाने पे भाव इतने बढ़ चुके हैं कि लोग सब्जी लेने के लिए अभी ना नुकुर कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को सब्जी भी मिलना चाहिए, उनका गुजर बसर भी दुकानदारों को अच्छा होना चाहिए, ये तमाम बातों की ओर सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए। महात्मा फुले मार्केट से संजय मिरे। तो दर्शकों, देखा आपने ये तमाम हमारे नुमाइंदे जो आपको पल पल की जानकारी, ये तमाम जो वस्तुएं हैं, लोगों को जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें लगती है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। अगली खबर की ओर हम रुक करते हैं। आप देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।